हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ओल्ड मॉन्क एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी रम जो इंडिया के हर एक दिलों पे राज करती है। जब से ये लॉन्च हुई है, इन्होंने आज तक एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, फिर भी ये ब्रांड इतना बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड आज के टाइम पे बन चुका है। नॉट इवन इन इंडिया, लेकिन आउट ऑफ इंडिया आप अगर देखेंगे वर्ल्ड वाइड, सो ओल्ड मॉन्क ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। फ्रेंड्स, इवन आई कैन से ओल्ड मॉन्क रम इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग रम्स इन द वर्ल्ड। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी के बारे में, देन देर इज़ अ लिंक ऑन द आई बटन। इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा दोनों की। फ्रेंड्स, अगर आप ओल्ड मॉन्क एम्बर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, सो अगेन देर इज़ अ लिंक ऑन द आई बटन, आप चेक कर सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से आपको कौन सी प्रिफर करनी चाहिए। ओल्ड मॉन्क के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आज के टाइम पे अवेलेबल है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो प्रोडक्ट है, ये है ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स, जो मेरा पर्सनल फेवरेट रब है। फ्रेंड्स, ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स तो आपने शायद पिया ही होगा, लेकिन आज ओल्ड मॉन्क की तरफ से दो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में। सो यहाँ पे एक्सो ऐसे करके दिया है, यहाँ पे भी दिया है, सो दैट एक्सो इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनमें ये दो रम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। दोनों रम्स अपने आप में अलग है। मुझे पहले ऐसा लगा था कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे, लेकिन दोनों रम्स बहुत ही अलग अलग है। इवन ये जो ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी है, दिस इज़ यू नो काइंड ऑफ लिक्योर, सो मैं इसको रम बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, ये एक लिक्योर है जो कि स्वीट है। सो लेट्स टॉक अबाउट बॉटल एंड डिज़ाइन। फ्रेंड्स, इन दोनों का बॉटल ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन के साथ आता है, लेकिन जो भी छोटे मोटे ग्राफिकल चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बॉटल की जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, और दोनों का जो डिज़ाइन है ये सिमिलर है, और ये इंस्पायर्ड है ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स रम के बॉटल से। फ्रेंड्स, सो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और लोग ओल्ड मॉन्क को पीना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप चूज़ कर सके कि ये दोनों में से आपको कौन सी प्रिफर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर कलर की बात करें, आप देख सकते हो दोनों का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन ये जो कॉफ़ी है इसका कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस कलर। ये जो एम्बर का जो कलर है, ये दिस इज़ रिच एम्बर कलर, और ये थोड़ा सा विस्की जैसा कलर है। सो कलर की अगर बात करें, दोनों में आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ किया गया है। नाउ लेट्स नोज दिस एम्बर। इसका जो अरोमा है ये ऐसा स्वीट सा है, ऐसा लगता कि ये स्वीट होने वाली है। फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग लिटिल हिंट ऑफ कैरमल, सम स्पाइसेस। सो ये इसका जो अरोमा है ये थोड़ा सा अलग है ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स से। सो लेकिन दिस इज काइंड ऑफ, हम लोग इसको ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स से कंपेयर कर सकते हैं। अभी ओल्ड मॉन्क कॉफी का नोजिंग करते हैं। सो आई एम गेटिंग ओनली कॉफी नोट्स, और कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉफी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टेक इट ऑन द पैलेट, दोनों का टेस्ट करके कंपैरिजन कर लेते हैं। दिस इज ओल्ड मॉन्क एम्बर। ये बहुत ही स्मूथ है, टेस्ट में इतनी भी स्वीट नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर भी इसमें शुगर का यूज़ किया गया है, इसमें भी शुगर एडेड है, सो उसके कंपैरिजन में दिस ओल्ड मॉन्क एम्बर इज़ नॉट दैट स्वीट। इवन ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स से भी ये कम स्वीट है। पैलेट पे आई एम गेटिंग लॉट ऑफ स्पाइसेस, कैरेमल ऑल्सो। नाउ लेट्स टेस्ट ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी। इसमें सिर्फ कॉफ़ी ही कॉफ़ी है, सो और कुछ इसमें मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन ये स्वीट है, ये बहुत ही स्वीट है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ लिक्योर, दिस इज़ नॉट अ रम, तो इसको मैं लिक्योर कैटेगरी में डालूंगा। फ्रेंड्स, सो ये एक डेजर्ट ड्रिंक की तरह आप ले सकते हैं,
जनरली नॉर्मली हम जो रम पीते हैं कोक या फिर आइस क्यूब के साथ, वैसे इसको कोक के साथ तो नहीं पिया जा सकता, लेकिन आइस क्यूब के साथ आप ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये डेजर्ट ड्रिंक मतलब खाना खाने के बाद ही आपको शायद ये पसंद आए। मैं खुद प्रेफर नहीं करूँगा कि ये स्वीट जो लिक्योर होती है इनको ज़्यादा टाइम तक पीना, 2-4 सिप्स एंड दैट्स इट फ्रेंड्स। सो दोनों काफ़ी अलग है टेस्ट में, लेकिन एक जो टेस्ट है ये बहुत ही कॉमन है ओल्ड मॉन्क के सभी प्रोडक्ट्स में, मोलासेस का जो एक स्पेसिफिक टेस्ट आता है। ओल्ड मॉन्क एम्बर इज़ प्योरली रम, ओके। सो इसको आप रम की तरह ही पी सकते हो विथ कोक और विथ आइस क्यूब। लेकिन ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक रम कम मैं बोलूँगा, इसको लिक्योर बोलूँगा। सो ये स्वीट है और इसको रम की तरह आप नहीं पी सकते फ्रेंड्स। सो दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये आपको मिल जाएगी अराउंड 600 से लेके 1500 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन योर ओन स्टेट। ये भी सेम रेंज में ही आपको मिलेगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए, सो फ्रेंड्स मैं प्रेफर करूँगा ओल्ड मॉन्क एम्बर, बिकॉज दिस इज़ प्योरली रम, मैं उसको रम की तरह पी सकता हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ ओल्ड मॉन्क एम्बर विथ ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स, देन आई वुड से दैट ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स इज़ फार बेटर, बिकॉज यू नो ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स का जो रेट है ये ऑलमोस्ट इससे हाफ है। सो ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रम्स, इंडिया में भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है फ्रेंड्स। सो इसमें और ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स में आई वुड प्रेफर ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड ड्रिंक इन अ लिमिट। जय हिंद।